हेलो दोस्तों नमस्कार जहां पर पैसा वहीं पे लालच क्लासिक लोना क्वाइन की आज बात करेंगे आज का जो अपडेट है दोस्तों सही में आपका दिल खुश कर देने वाला है ये क्लासिक लोना क्वाइन का अपडेट शिवा एनू कॉइन की यहाँ पर बात करेंगे बर्निंग मैकेनिज्म अब शिवा एनू का बर्निंग मैकेनिज्म दोस्तों लास्ट एटीन मंथ में बहुत ड्रॉप हो चुका है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगभग दोस्तों थ्री थाउजेंड डॉलर का मतलब तीन हजार डॉलर का सीवाएन टोकन बर्न आउट हुआ है दिसंबर महीना 2022 में एंड ए महीने में शिवाएनु का बर्निंग हुआ था टू हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड डॉलर का आप समझ सकते हो जिसका कि एस्टिमेटेड अगर शिवाएनु का कैलकुलेट करेंगे तो थर्टी वन बिलियन शिवायन को बर्नआउट किया गया था मे महीने में वह दिसंबर महीने में आप देख सकते हो मात्र थ्री थाउजेंड तो ड्रागिस्टिकली दोस्तों यहाँ पर जो बर्निंग मैकेनिज्म को तगड़ा करना चाहिए इंप्लीमेंट अच्छा होना चाहिए उसके जगह हमें ऑपोजिट देखने मिल रहा है शिवा इनू का बर्निंग मैकेनिज्म में लगभग नाइन्टी नाइन परसेंट यहाँ पर ड्रॉप माइनस के साथ चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब इम्पैक्टफुल कर सकता है फ्यूचर शिवा इनु का एंड अगर हम बात करेंगे दोस्तों शिवा इनु का ऑलमोस्ट लास्ट 18 मंथ में जो बर्निंग हो रहा था उसके रिलेटेड अगर हम बात करेंगे लास्ट 18 मंथ एंड अभी की बात करेंगे तो बहुत ह्यूज लेवल का जब से सीबीआई मार्केट पे आया है तब से इसका बर्निंग धीरे 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 रेशियो घटता जा रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिकलोना कॉइन को लेके क्या कुछ चल रहा है तो सबसे पहला एंड बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो क्लासिक लूना क्वाइन का जो वैलिडेटर्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मतलब कुछ भी यहाँ पर प्रपोजल पे डाल दो एंड उसको पास आउट करवा दो एंड जो मनी आए उसको अपने पॉकेट पे ले लो तो इसके रिगार्डिंग अनादर एक प्रपोजल डाला गया जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पावर रहेगा टेन परसेंट का बाकी दोस्तों कम्युनिटी मेंबर यहाँ पर वोटिंग करेंगे मतलब एक सौ बोटिंग से टेन परसेंट बोटिंग रहेगा यहाँ पर दोस्तों वैलिडेटर्स का बाकी वोटिंग रहेगा जो कम्युनिटी हम एंड आप जो यूजर्स है उनका वॉलीड तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्योरली डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है है, जो हम डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कह रहे थे तो अभी कुछ लोगों के हाथ में भी था बट अल्टीमेटली प्यरली डिजिटलाइजेशन इनके हाथों में ये जा रहा है आगे बढ़ रहा है आगे बात करेंगे दोस्तों इसको लेके और भी कुछ अपडेट्स है सबसे पहले यहाँ पर रिकवरी की जा रही है जो फंड था वन हंड्रेड फिफ्टी डॉलर का जो यहां पर इन्वेस्टमेंट था उसका दोस्तों यहां पर सबसे पहला फंड रिटर्न लिया गया जैसे तो मेंबर ने यहाँ पर अपना फर्स्ट रिटर्न कर दिया अपने फंड को और इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा जो कि बता रहा था कि बहुत बड़ी अपडेट है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों टेरा ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में यहां पर आपको दिखा देता हूं कि क्या रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन था तो ये जो आप देख सकते हो यहां पर fund किसने कितना fund लिया है 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 और जो वर्सन का ठीक है है? पर जराडर से पर वेगस से से ले लेके लेके बहुत कुछ है राइडर से लेके बहुत कुछ है यहां पर इन्होंने ये फंड लिया हुआ है अब ये फंड का रिकवरी होगा एंड अब देख सकते हो ये फंड का रिकवरी करने के लिए पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जुडिशिकेशन ये जाने वाला है ये जो टोटल यहां पर डिटेल में इसका निकाला गया है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे ये जाएगा अगर फंड रिकवरी नहीं होता है एंड यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कौन कौन से वैलिडेटर्स ने कितना फंड लिया है एंड इससे कितना इम्पैक्टफुल रहा टेरा क्लासिक का टेरा लूना नेटवर्क के लिए कितना प्रॉब्लम यहाँ पर देखना पड़ा जिसके लिए अगर आप देखोगे बहुत कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया गया है द कम्युनिकेशन फ्रॉड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जुडिफिकेशन अगर आप देखोगे तो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन तो ये चीजें यहां पर शॉर्ट आउट की गई है कि कब यहां पर क्या चीज पर यहां पर प्रपोजल डाला गया एंड किस चीज़ के वजह से यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है तो हर एक डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट है मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड किया हुआ है बट एग्जैक्टली exactly आपको हर एक पॉइंट पर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन ये जो चीज़ है आप मनी लॉन्ड्रिंग का आप देख सकते हो जुडिफिक्सन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर लोगों का पैसे को यहाँ पर जो बर्निंग के नाम पे यहाँ पर लेके इन इनमेंटिंग करके उसका पैसे को लेके मिस यूटिलाइज़ किया जा रहा था उसके रिगार्डिंग फाइनली यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन किया गया इनबिल्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई है कि अगर इसका क्लेरिफिकेशन एंड फंड को रिटर्न नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं शायद क्लासिक लूना क्वाइन के जितने भी यहाँ पर वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने फंड लिया है उनको इन्वेस्टिगेशन पे शामिल होना पड़े एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ फ्यूचर में देखना पड़े सो so, अभी यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट ये हमें देखने मिली कि पहली बात वैलिडेटर्स के हाथ में यहाँ पर वोटिंग पावर नहीं रहेगा एंड दूसरी बात इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नजर रखेगा कि फंड का सही यूटिलाइज हो रहा है कौन लेके जा रहा है कितना फंड लेके जा रहा है टोटल डिटेल एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सही वे में अभी ये बढ़ रहा है मतलब वैलिडेटर्स पे वैलिडेटर डेलीगेटर पे डेलीगेटर प्रोपोजल पे प्रोपोजल जो एक स्कैम बन रहा था खाली सिर्फ और सिर्फ बर्निंग एंड जो ग्रोथ के नाम पे स्कैम किया जा रहा था उस चीज को सॉर्ट आउट किया गया एंड टू के लिए फाइनली क्लासिक लूना क्वाइन रेडी है तो आज के वीडियो पर दोस्तों इतना ही फिर एक नए वीडियो में लेंगे तब तक के लिए नमस्कार